ब्रजलाल जी, यहाँ पर एक बड़ी बात है, हम आज ये जानना चाहते हैं कि आज मुख्तार अंसारी व्हीलचेयर पर दिखा अचानक, वो कोर्ट पहुंचा, मोहाली के कोर्ट में पहुंचा और बिल्डर वाले मामले में चार्जशीट भी दाखिल हो गई। ये सब कुछ गुपचुप तरीके से हुआ। ये 10 मार्च को चार्जशीट दाखिल हुई, तो क्या ये जो पूरी की पूरी जो घटनाक्रम है, इसको क्या इस तरह से देखा जा सकता है कि यूपी वापस लाए जाने में कुछ पेच अटक जाए, इस तरह की कोशिश के तहत इस पूरे घटनाक्रम को देखा जा सकता है? बिल्कुल आपने सही कहा, जो ये घटनाक्रम है ये उसी की तरफ इशारा करता है। जब कोई मुलजिम किसी केस में गिरफ्तार होता है और अगर 90 दिन तक चार्जशीट नहीं लगती है तो उसकी स्वतः जमानत हो जाती है। मुख्तार अंसारी का केस 2019 जनवरी का है, ये 2 साल से ज़्यादा पंजाब की जेल में है, तो 90 दिन तो कक्का हो गया, इनकी जमानत तो स्वतः हो गई अगर ये जमानत मांगे। दूसरा एक सिंपल सा केस है 386-506, धमकी देना और रंगदारी मांगना। उत्तर प्रदेश में मर्डर, किडनैपिंग, दंगे, इस टाइप के 1.5 दर्जन केस हैं। तो ये जो चार्जशीट सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद 10 मार्च को पंजाब पुलिस ने दाखिल किया है और आज ये मुख्तार अंसारी का व्हील चेयर पर जाना, पंजाब पुलिस का उसको व्हील चेयर से उठाना कि बहुत बीमार हैं, चल फिर सकते नहीं हैं, ये केवल पैतरेबाजी है। ये पैतरेबाजी अंत तक करेगा। लेकिन सबसे दुखद यह है, एक चुनी हुई सरकार, आज वो सरकार एक अपराधी से इतना प्यार है जी कि आज वो सुप्रीम कोर्ट में बड़े बड़े वकील खड़ी करती है, डॉक्टरों के पैनल बनाकर फर्जी जांच करवाती है और ये करती है कि वो यूपी ना जाए। अरे साहब, तमाम देश ऐसे हैं जहां हम लोग प्रत्यावर्तन होता है, एक्सट्राडिशन कहते हैं अंग्रेजी में जी, इतना टाइम तो वहां से नहीं लगता, दूसरे देश में, और आज अपने ही देश के एक बगल के प्रांत में इतना प्यार मुख्तार अंसारी पर दिखाता है। मुख्तार अंसारी ने यही ड्रामा यूपी में भी किया था जब योगी की सरकार आई है। योगी जी के सरकार आने के बाद पहले आगरा जेल जी, गाजीपुर जेल इसका आसियाना बना था, दरबार चलता था, लोग आते थे, वहीं से गैंग चलता था, वहीं से मर्डर प्लान होते थे, किडनैपिंग प्लान होते थे और एक्सटॉर्शन जो है, किडनैपिंग ना केवल उत्तर प्रदेश बट आपका हरियाणा, पंजाब, दिल्ली और उत्तर प्रदेश का वेस्टर्न यूपी, इन सब जगह इसके गुर्गे किडनैपिंग करते थे, एक्सटॉर्शन मांगते थे और वो पैसा गाजीपुर जेल में जब मुख्तार रहता था वहाँ हैंडओवर होता, बड़े बड़े क्रिमिनल, उसमें राजवीर रमाला मर गया, बिल्कुल प्रभजी डिम्पी मर गया जी, जसविंदर राखी मर गया जी, ये तमाम क्रिमिनल जो रहे ये सब इसका चलता था। आज क्या है, जब योगी सरकार आई, इसको चित्रकूट जेल में रखा तो इनको हार्ट अटैक हो गया। बिल्कुल।